सीनियर सेकेंडरी स्कूल मझवाड़ में बीती 11 दिसंबर को शटरिंग का फट्टा गिरने के कारण घायल हुए 12 वर्षीय छात्र अभय ने नया खुलासा किया है। अभय का कहना है कि जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर वह पानी पीने के लिए नहीं गया था, बल्कि उसे चाय लाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अभय को ये याद नहीं कि चाय लाने के लिए किसने कहा था। उसके साथ उसका एक अन्य सहपाठी भी साथ में था। अभय का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है। बता दें कि बीती 11 दिसंबर को मझवाड़ स्कूल में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग को उतारते वक्त एक बड़ा फट्टा अभय के सिर पर जा गिरा था, जिससे अभय की आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। दूसरे पीरियड के बाद तीसरा पीरियड लगा, हम गए बैडमिंटन के फील्ड की तरफ। फिर किसी ने बोला हमें चाय लाने के लिए याद नहीं है। फिर मनन गए गेट के पास, मैं आगे था वो पीछे था, उसने लगाई मेरे को आज। मैंने पीछे देखा, फिर उसके बाद नहीं है याद। फिर मंडी में आया, मंडी में खुली आंख कार में, फिर इधर। वहीं अब ये मामला स्कूल प्रबंधन के पास भी पहुंच गया है। स्कूल प्रधानाचार्य उमेश कुमार के अनुसार यदि बच्चा इस प्रकार की कोई बात कह रहा है तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात ऐसी है, मैं उस समय जिस समय ये हादसा हुआ मैं जो है अंदर ऑफिस में अपने बैठा हुआ था। मुझे ऐसा बताया गया कि कोई लड़का जो है ऊपर से गिरा और मैं जैसे बाहर आया तो लड़के को, जख्मी लड़के को उठा के लाया गया और जो है उसको गाड़ी पे बैठा के हमने उसी टाइम जो है उसे ले गए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किसी ने बाहर भेजा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगा और पता करूंगा कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और जो भी है जिम्मेवार होगा उस पे उन पे जरूर कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। घायल छात्र के अभिभावकों ने अभी ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल समय के दौरान काम करने पर रोक लगा दी है।